रखा, उसने जहां जहां कदम रखा मैंने वो जमीन चूम ली, उसने जहां जहां कदम रखा मैंने वो जमीन चूम ली। वो कमबख्त घर आकर कहती है आपका लड़का मिट्टी खाता है। वेलकम, कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड नंबर 18। आज 3 फरवरी सुबह के 12:38 है। हम लोग एपिसोड नंबर 17 में आगे बढ़ेंगे। लास्ट बार हम लोग अपना जो लोकेशन है उसको शिफ्ट कर रहे थे, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है ठीक है, और कल रात को हम मतलब कि स्ट्रीम कर रहे थे। स्ट्रीम में एक भाई साहब मिल गए थे यार, स्पेक्सी गेमर करके कोई है भाई, पहला बंदा था वो जो मेरे को स्ट्रीम में मिला ठीक है। यार पहली चीज़ें जो होती है ना, पहली लाइफ में कुछ भी चीज़ें होती है ना आपको हमेशा या बहुत टाइम तक याद रहती है ठीक है। आपको याद रहा होगा कि आपको पहला क्या होता है। कुछ है नहीं ना, चलो मेरा क्या एटलीस्ट मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है ठीक है। आज का हम लोग का टारगेट क्या बता रहे हैं, आज का हम लोग का टारगेट है कि हम लोग पूरी तरह से यहाँ से कुछ ब्लॉक्स लेकर के ना अपना दूर कहीं मशरूम बाया में उधर कहीं ससुरा बना हुआ है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे ठीक है। आज का हम लोग का टारगेट ये है, हम लोग का टारगेट ये भी है कि यहाँ से कुछ थोड़ा मोड़ा ये सब लेके चलते हैं ठीक है। मतलब कि कुछ थोड़ा मोड़ा तो ये सब तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, इसके बिना काम नहीं चला। हम लोग डायमंड टूल बना लिया था, पता है मेन बात ये कि हम लोगों ने इंचेंटमेंट बना ली थी, थोड़ी बहुत इंचेंटमेंट बना ली ठीक है। तो मेरे को प्रोटेक्शन रहेगा, प्रोटेक्शन जरूरी हो जाता है भाई ठीक है। तो चलो वहाँ कहाँ गया, बोट गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, बोट से कुछ सामान लेकर के आएंगे और मतलब आज तो अपना वही रिनोवेशन चलेगा ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें शिफ्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और कल हम पहली बार स्ट्रीम किए थे मतलब कि तो बहुत अच्छा लगा था, सही बताया तो कल के स्ट्रीम में बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़ा आया था, पता है बातें करने के लिए अगर जो कोई हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है यार, अकेले मज़ा नहीं आता मेरे को यार, सही बता रहे हैं। बहुत झंड जिंदगी है हमारी यार, बहुत घटिया जिंदगी है, आई डोंट लाइक इट, सही बता रहे हैं। हर दिन बताया ना, ऑनेस्टली बताया ना भाई, हर दिन मेरे लिए एक चैलेंज है, हर दिन मेरे लिए एक चैलेंज है। सोचते हैं कि यार मतलब दोस्तों की कमी है बहुत यार, सही बताया। अब हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, मेरे फैमिली उमली ना करीब तुम्हारा यहाँ से करीब दे आर प्रिटी मच फार अवे फ्रॉम हियर ठीक है। और दूसरी बात देखो, अभी हम कांप रहे हैं, कांप क्यों रहे हैं कि अभी भी नहाए ठंडा पानी से ठीक है। तो ठंडा पानी से नहा रहे क्योंकि गैस बच जाए। हाँ यहाँ मतलब गर्म पानी नहीं मिलती है, तो जैसे कि जो छत है ना वही से हम लोग कुछ ले लेते हैं। सुनो अब यहाँ से हम लोग कुछ ब्लॉक्स लेके जा रहे हैं, हालांकि कुछ ब्लॉक्स लेके जाने का कुछ वैसे कुछ खास ज़रूरत है नहीं क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक्स मिल ही जाएगा, लेकिन अभी हम लोग ऊपर में वो सब बनाएंगे ना, क्या कहते हैं ग्रास व्रास बनाया जाएगा ना, तो हम लोग ले लेते। चलो मेरे ख्याल से अब यहाँ से निकलते हैं ठीक है, ये ज़माना याद रहेगा, ये अफसाना हमें याद रहेगा ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं। बाय दोस्तों, जब हम नया नया स्पॉन किए थे ना भाई, जब मेरे पास एकदम पूरा नंगे थे, कुछ नहीं था ही नहीं, ना कपड़े थे ना मतलब ना आर्मर था ना कुछ था, तो हम लोग वहाँ पे कहाँ पे स्पॉन हुए थे, हाँ हम लोग वहाँ पे स्पॉन हुए थे जब हम लोग नया नया स्पॉन हुए थे ठीक है। और पता है हम क्या कर रहे थे कि नया नया बायोम ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि अरे यार तुम गिर क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों नहीं, सॉरी वो खांसी आ रही थी, खांसी ससुरी जा नहीं रही है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है, मतलब हम ही नहीं ध्यान दे रहे ठीक है, हम दवाई ववाई नहीं ले रहे हैं, तो मेरा खांसी अभी तो कोई ऐसा ही है, देखते कब तक खांसी जाती है। खांसी मेरे को आनी शुरू हुई थी 17 जनवरी को, पता है सारा बवाल जो हुआ ना यार 17 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 17 जनवरी से हम हर दिन वीडियो डालना शुरू किए थे और 17 जनवरी के बाद से अब एक मिनट को पता है वो मेरे को वो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स निकाल लें यार, जो कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिए थे वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मिल जाए ना तो थोड़ा सा बेटर होगा ठीक है। तो हम ये बोले ना कि जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट था, जो मशरूम बायोम था ठीक है, जो हम लोगों का मशरूम बायोम था कोऑर्डिनेट था 169, -708 169, -708 मतलब 169, -708 तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट अपना जो है एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, अभी एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ठीक है 169, और -700 तो माइनस मतलब 150, -700 हो जाता है ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही डायरेक्शन ठीक, अब देखते पता नहीं कब मिला जाएगा। देखो बाय दोस्तों, कैसे हो, हम यहाँ पे बेस बनाना शुरू किए थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ा जाए ठीक है। दोस्तों कैसे हो, बाय। अब पता है यहाँ पे किंग, पता है वो क्या है, यहाँ पे वो है समझे, अंडरग्राउंड कुछ ओसन ओसन मॉन्यूमेंट है, वो लोग सारे दूर से तीर मारने लगते हैं, वो देखो यार आपको दिखा नहीं दिखा, अभी दिखेगा तो कुछ देर में ठीक है। ये देखो, ये पता है एक ट्रिक है, पता है अगर जो आप बोट लेकर के जा रहे हो तो आप अगर जो अंडरग्राउंड ऐसे चलो, देखो नीचे का एकदम क्लियर कट दिख रहा है, कितना कितना मतलब ब्यूटीफुल लगता है यार, मतलब जो लोग माइनक्राफ्ट खेले नहीं है ना उन लोगों को पता नहीं है कि कितना ब्यूटीफुल चीज़ है ठीक है। आई रियली लव इट। और पता है दिन का मेरा सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा फेवरेट समय ये होता है, क्योंकि यार यहाँ पे अपने मन की बातें होती है, मतलब अच्छा लगता है यार। अरे
अरे यार तुम तो ना ठीक है, नहीं 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 थोड़ा सा और घुमा इसको, 169, -700 मेरे को रात होते होते पहुंच जाना है वहां पे। नहीं 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 यार एक्स बढ़ रहा है, जीरो बढ़ रहा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। ठीक ये देखो अंडरग्राउंड कुछ है ना, बरसात शुरू हो गई, बरसात नहीं शुरू हुई, ये लोग लेजर मार रहे हैं, देख रहे हो ये लोग लेजर मार रहे हैं। इधर पता है इधर ओसियन मॉन्यूमेंट है, दिखाए वो देखो इधर क्या है, उधर उधर ओसियन मॉन्यूमेंट है, जब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा नीचे में वो लोग पता है लेजर मार रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता मेरे को लेजर कोई मारता तो। वाह देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है वो, इसको कहते हैं ब्यूटी। एक और ओसियन मॉन्यूमेंट ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे है ओसियन मॉन्यूमेंट, वाह यार देख रहे हो कितना सुंदर, वाह अगर जो इसको ब्यूटीफुल नहीं किसी को दिखा तो पता नहीं क्या दिखेगा, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है ये देखो एक और ओसियन मॉन्यूमेंट है, वो देखो दिखा, लेकिन यार ये क्या हो गया यार, ये रहा अपना बायोम, दिख रहा है बहुत मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा लेकिन दिख रहा हो, ये देखो अपना ओसियन मॉन्यूमेंट। जब हम लोग खूब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना, रेस्पिरेशन 3 और फलाना धमकाना हो जाएगा ना, तब हम लोग जाएंगे उसे ओसियन मॉन्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, अभी वहाँ पर नहीं जा रहे। ठीक हम ड्रीम रूम नहीं है भाई, पता नहीं कैसे वो लोग कर लेता है। ठीक है मैं ये क्या है, अच्छा ठीक है भाई पता है यहाँ पे तो हम लोग आ गए। ठीक यहाँ पे तो हम लोग आ गए, हम लोग को अपना बोट नहीं छोड़ना होगा पता, अरे साला कितना अंधेरा हो गया और ये भी हो गया। सुनो भाई चलो सो के उठते हैं, ठीक है अगर अगर जो सो के उठेंगे ना तो वो बरसात भी खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं हम रात भी खत्म हो जाएगी, तो चलो सो के उठते हैं। वाह मस्त सुहानी शाम है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना रियली इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन पता है अभी रात को उतना नहीं सोने का मेरा मन कर रहा था, क्योंकि अभी मेरे को वो एक आइलैंड पे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लगाया था वो शायद खो जाएगा। ठीक वाह इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, सुंदर चीज़ें आंखों की ठंडक होती है। देखो वहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने अपना एन्चेंटमेंट टेबल लगाया था, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेस बनाया था, आज बाकी सारा बेस हम लोग कंप्लीट करेंगे। वाओ गुड मॉर्निंग एवरीवन, कितना मतलब सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, हमें बड़ा सीनरी अच्छा लगता है यार। हम बताएं हम नज़ारों के भूखे हैं, ठीक है हम नज़ारों के भूखे हैं बच्चे। सुनो तो हम लोग यहाँ से वो सब यहीं पर हम लोगों ने बेस बनाया था, जहाँ तक हमको याद है यहीं पर हम लोगों ने बेस बनाया था अपना। तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपना, वो मिल गया ठीक है। वाह अब पता है अभी आज का टारगेट बहुत सारा है, ठीक है आज का टारगेट हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी है आज। हम पता है आज मोस्ट लाइकली हम निदर में भी जाएंगे, ठीक है मतलब निदर में जाना जरूरी हो गया। ठीक तो एक बात बताओ हम लोग पास कहाँ गया वो पेड़ है ना, पेड़ यार पता नहीं यहाँ उगेगा कि नहीं उगेगा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते, मतलब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, यहाँ पर पेड़ उग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नहीं उगेगा ना तो कोई बात नहीं, असल में हम लोग ना यहाँ पर वो बना देंगे, क्या कहते हैं ये जो डर्ट है ना, डर्ट को यूज करके वो बनाएंगे। ठीक यहीं पर हम लोग कुछ पेड़ कुछ वो बनाएंगे, इधर पता है कुछ लावा जैसे है यार, और लावा हम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन इधर रिस्क पता है कल इधर मरते मरते मरे थे, ये हार्डकोर मोड है ना, तो कल हम इधर मरते मरते मरे थे, मरते मरते मरे नहीं थे, मरते मरते बचे थे। मरते मरते क्या मरता है कोई यार, मरते मरते तो हम मर रहे हैं, जीते जी मर गए। ओके चलो पेड़ यहाँ पे इसको लगाना है, पता है प्लांटेशन कर देते हैं अपना, अभी तो फिलहाल के लिए उतना ही पता है। मैं ऑफ कैमरा ये सब कर लूँगा, मैं ऑफ कैमरा कोशिश करूँगा माइनिंग वाइनिंग करने का, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए टारगेट यही है ना कि खूब सारा पेड़ लगा देने के लिए। क्यों ये देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लगा देंगे, ठीक और यहाँ पे हम लोग अभी ज़्यादा डर्ट उठ रहे नहीं हम लोग पास, ठीक तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक जब हम लोग पास खूब सारा डर्ट हो जाएगा ना तब हम लोग बनाएंगे वो सब, क्या कहते हैं इधर आ यार तुम, ठीक है एक मिनट को। तो हम लोग पेड़ जो है ना, पेड़ को हम लोग यहाँ पे ला करके ऐसे कर देते, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है डायमंड, सो डायमंड वो पिकैक्स यार आई रियली लाइक इट। ठीक है वो देख रहे हो यहाँ पे हम लोग अपना पेड़ है मतलब प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आगे चल के हम लोगों को मतलब कि वो सब अभी गिरेंगे तो हमको नहीं लगता मरेंगे, थोड़ा डैमेज होगा लेकिन उतना मरेंगे नहीं, लेकिन वही हम लोग यहाँ पे अपना हंगर खो नहीं सकते ना, वी कैन नॉट जस्ट लूज आवर हंगर, हंगर वी जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग। ठीक और मैं थोड़ा सा कांप रहा हूँ, ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही है, स्वेटर पहने पता है मेरे को क्या है ना कि हम नहाने के बाद ना एकदम साफ कपड़ा पहनते हैं, ठीक है मेरे को वो नहीं पसंद है कि नहा लिए हो तो फिर चार दिन वाला कपड़ा पहन रहे हो, नहीं आई डोंट लाइक दैट, मेरे को नहाने के बाद से एकदम मस्त साफ सुथरा चिकी चिकी कपड़ा चाहिए। ठीक है तो
मम्मी कपड़े धोती नहीं, मम्मी नहीं कपड़े उतने धोती हैं, लेकिन रहती थी बेचारी, ख्याल रखती है। अभी मम्मी भी दूर है और कोई है नहीं आसपास, तो कौन देखे। पता है सुबह से भूख है, वर्कआउट किए हैं थोड़ा बहुत, और मेरा खाना बनाने मन नहीं करता यार। कौन हर दिन खाना खाया, मतलब बनाया यार, मेरे को मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पता नहीं यार, देखो भूख लगेगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो क्या किया जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कोई उपाय। इसको पता है ऐसे कर दे रहे, नहीं तो उधर से चलेंगे साला, भड़ से गिर जाएंगे इसी में, ठीक है, लेने को देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट गिरेंगे नहीं इसके अंदर, हम देख रहे थे वो तो। हाँ तो चलो चलते हैं हम लोग अभी नेदर में चलते हैं, ठीक है। मतलब नेदर में जाना बहुत रिस्की, हम जानते हैं, ठीक है। तो एक मिनट को, तो अगर जो नेदर में जाना ही है ना, तो हम लोग अपना सारा जुगाड़ लेके जाते हैं। पता है कभी कभी घास ना मार करके वही ख़त्म कर देती है, क्या कहते हैं वो। एक मिनट को, नेदर पोर्टल बनाते हैं, ठीक है। नेदर पोर्टल बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा ब्लॉक्स व्लॉक्स चाहिए होगा यार, रुको, ब्लॉक्स व्लॉक्स लेकर के आते हैं, ठीक है। तो चलो अपना बातचीत अपना होते रहेगा, ठीक है। और सुबह के करीब तुम्हारा, मतलब सुबह के क्या, दोपहर के यार, दोपहर के एक बजने वाले हैं, ठीक है। और ये माइस ने, पता है ये बायोम को अच्छा इसलिए लगता है ना, क्योंकि इस बायोम में ना सबसे पहली बात तो मस्त चीज़ ये है ना कि यहाँ पे मॉब्स नहीं स्पॉन होते, ठीक है। यहाँ पे मॉन्स्टर्स स्पॉन नहीं करते, ये मशरूम बायोम बहुत मतलब रेयर बायोम में से एक है। और चूंकि हम हार्डकोर खेल ही रहे हैं, तो हम कौन सा दोबारा रिस्पॉन करेंगे भाई। हम गए तो गए, मेरा सारा सामान, सारा सब कुछ जितना भी मतलब कि हम लोगों ने इकट्ठा किया, सारा सामान लूज हो जाएगा। तो मतलब आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दैट, राइट, आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दैट। तो या, और हाँ, कल हम लाइव आए थे भैया, कोशिश करेंगे आज से हर दिन लाइव आने का। लाइव आने से क्या होता है यार, कि ऑडियंस मिलती है, लोग बातचीत करते हैं, मज़ा आता है यार, सही बता रहे हैं। यूट्यूब का एक सबसे बड़ा सुख ये है ना कि आपके साथ कई लोग खड़े होते हैं, ठीक है। जब आप वीडियोज बनाते हो तो आपको मतलब लोगों से चैट करने में ना एक, मेरे को बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बातें करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। हम लगातार बहुत चीज़ बोलते रहते हैं अभी तक तो पता चल गया होगा तो मतलब जब कोई ना कोई रहता है ना यार, तो ज़िंदगी कट जाती है, वरना ज़िंदगी बहुत झंडे यार, क्या बताया तुमको। ये देखो बर्बाद करनी है हमने। नीचे पानी है क्या? ओ, नीचे पानी है, तभी तो कॉबलस्टोन बन गया, ठीक, ओके। तो हम ये कह रहे थे ना यार, कि अगर जो हम ऑनलाइन आते हैं ना, अगर जो कोई आता है कि कोई, देखो यार, तुम मेरे वीडियो को लाइक नहीं करो, ठीक है, तुम मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करो, मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यार तुम कम से कम रहो साथ में, मेरे को अकेलापन पसंद नहीं यार। ज़िंदगी भर अकेले रहे ना तो थोड़ा सा दुख होता है तो इसीलिए हम लाइव आए थे, ठीक है। हमको भी आपको पता है, लाइव में कोई भी अगर जो आपका वीडियो देखता है, ठीक है, तो लाइव के जो वीडियोज होते हैं ना, वो आपको वो टोटल वॉच आवर जो 4000 आवर्स वॉच आवर्स होती है लाइव, वो नहीं देखता है यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब इसको नहीं देखता है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप लाइव आते हो ना, तो आपको लाइव में जो आपको जो कोई अगर जो आपका वीडियो देख रहा है ना, तो नहीं देखता है, ठीक। कब तक? जब तक आपका वीडियो ऑफलाइन ना हो जाए, उसके बाद से कई लोग उसको ना देख रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लाइव क्यों आते हैं? हम लाइव इसलिए आते हैं ना क्योंकि यार मेरे को लाइव आना पसंद है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कम टू पीपल एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल, आई वॉन्ट टू जस्ट नो पीपल, राइट। आई रियली लव टॉकिंग टू पीपल एंड गेटिंग टू नो देम, आई रियली लव इट, ठीक है। आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, राइट, आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, एंड सो दैट्स वाई, मे बी दैट इज द रीजन वाई आई एम सीकिंग फॉर फ्रेंड्स एवरीवेयर, ठीक है। मे बी, सॉरी, अंग्रेजी नहीं भाजना चाह रहे थे लेकिन आपको कहने का मतलब समझाना चाह रहे थे कि हमने अपने चैनल पर लिखा, हमने अपने चैनल पे लिखा कि सब्सक्राइब फॉर अ फ्रेंड। तो सब्सक्राइब फॉर अ फ्रेंड का क्या मतलब है कि मेरे को दोस्त चाहिए यार, ठीक, मेरे को फ्रेंड चाहिए, चार लोग बात करें, दिन कट जाता है यार। जिंदगी वैसे भी झंडे, मरना हमको है, मरना सबको है, ठीक है। जब दो दिन हो तो थोड़ा चैन से जी लो। तुमको हम लोग पता है, हम लोग को लगता है ना कि हम लोग हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, नहीं भाई, नहीं, एक दो तीन हो गया ना इधर, हम लोग हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। हम लोग जाएंगे यार, सबका बुलावा आया है, कई कई लोग का टाइम के पहले ही बुलावा आ गया। कल ही हम सुन रहे थे पेपर में, बेचारा एक माँ अपनी बेटी के साथ जा रही थी कार में, कोई साला ट्रक वाला उसके ऊपर मतलब पता नहीं गलती से चढ़ाया कि क्या चढ़ाया, चढ़ा दिया यार, मर गई बेचारी वो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है ना यार कि कभी भी बुलावा सकता है। तो जब तक जी रहो यार, बिंदास जियो, जो मन में आ रहा करो यार, और किसी के लिए कुछ बचा के मत रखना कि अरे जब मेरा समय आएगा तो मैं उसे बताऊंगा। अरे ससुर, हो सकता है तुम्हारा समय आया ही नहीं, हो सकता है कि उसका समय नहीं आया, वो तुमसे नहीं मिले कभी भी। तो ये सब माइंड में कभी मत रखना कि हम बदला ले लेंगे, हम ये करें, जो करना है तुरंत निपटाओ, अपना ज़िंदगी ख़राब ना करो, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। अपना लाइफ ना बिगाड़ो, ठीक है। और जो मन में किसी के लिए अगर जो भी भाव है, अगर जो कोई अच्छी लगती है, जाके बोल दो, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। ऐसा तो है नहीं कि तुम रिजेक्ट कर देगी तो तुम सांस नहीं ले पाओगे, ऐसा तो है नहीं,
कम से कम तुम्हारे मन में ये तो नहीं रहेगा ना कि कि उसने रिजेक्ट कर दिया हमको, अब अगर जो हम दोबारा उस दिन बोल लिए होते तो आज ये समय नहीं आता। तो ये ऐसा कई लोगों के साथ होता है, ठीक है, मतलब कई लोग होते हैं ना कि जो कि एक मिनट को, एक दो तीन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक यार, पता है नेदर पोर्टल बनाते बनाते बात करना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि तुमको लग रहा है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं यार, ज़्यादा ज़्यादा कोई क्या करेगा, रिजेक्ट करेगी रिजेक्ट करेगी, छोड़ो। देखो अब ये सब लॉजिक तो हम नहीं समझाने के मेरे को पसंद है कि तुमको कोई तुमको किसी ने रिजेक्ट किया जो तुमको कभी पसंद ही नहीं करती थी, वो तो उसको छोड़ी जो उसको बहुत पसंद करती थी। ये फरवरी का महीना है, ठीक है, यहाँ बहुत नोटिंग की होगा, ठीक, तो इसलिए पता हम फनी शायरी कहते हैं, हम वो दर्द भरी शायरी नहीं कहते हैं। कल हम स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, ठीक है, तो मैं गया था, तो मैं स्टेशन गया था, ये कुछ एक शायरी की किताब मिली मुझे, ठीक है, तो हम इसको खरीद लिए, लेकिन शुरुआत में हमको ठीक ठाक शायरी मिली थी, लेकिन जब वो शायरी पढ़ना शुरू किया ना यार छिछोरों वाले शायरी है, कुछ इसमें स्टैंडर्ड है ही नहीं शायरी का, मतलब कि जैसे कि एक शायरी ये है कि क्या कर दूँ मैं, ऐसा कौन सा गुनाह कर दूँ कि तुम मिल जाओ उम्र कैद में, ठीक है, तो ये सब शायरी सही लगती है हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें यार इतना छिछोरा वाला शायरी है शायरी का मैं हवस जा दे वहाँ पे तो उसको मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते तो अभी इसको चेंज करेंगे शायरियों को। अब मेरे को शायरी अच्छा इसलिए लगता है ना क्योंकि शायरी कई सारी बातों को ना चंद शब्दों में कह देता है, ठीक है, जैसे कि एक शायरी किसने कहा था वहाँ पे, मेरे को पता नहीं है कि बिखरे ये शायरी आपने शायद वहाँ सुना हो, टूटे पत्तों सा बिखरे थे हम किसी ने समेटा भी तो हमें जलाने के लिए, वाह वाह, मतलब ये सब शायरी तबीज वाली होती है, तहजीब वाली होती है, आई रियली लाइक दैट, लेकिन कुछ कुछ शायरियाँ होती है ना भाई इतना वाहियात शायरी होती है ना, मज़ा भी नहीं आता, दिमाग अलग से खराब होता है ये देखो अपना नेदर पोर्टल बन गया है, चलो हम लोग अपना फ्लिंट एंड स्टील लगा लेते हैं, वैसे रात होने वाली है तो कहाँ हम लोग अपना ये बेस बनाया था ना, यही बस हो जाता है, मेरे को ये रात बहुत अच्छी लग रही है, ठीक, फ्लिंट एंड स्टील आ गया मेरे पास, ठीक है, तो बट्टा कहाँ गया नेदर पोर्टल, कब पता है कभी कभी इसमें से मैंने सुना है कि ये सब लीक भी करता, वाओ नेदर पोर्टल आ गया, ठीक है, चलो वाओ कितना सुहानी समय, वाओ आई रियली ब्यूटीफुल, अगर जो आप लाइव होते तो बहुत मज़ा आता, ठीक है, वाओ पता है सूर्यास्त सूर्योदय मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब कभी पता है हम गिटार बजाते हैं, ठीक है, तो गिटार बजाना हमने इसलिए सीखा ना, एक कारण ये था ना गिटार बजाने का, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को मन करता है ना कि किसी दिन बहुत ठंडा सा मस्त शांति सा हवा बह रहा हो कहीं पार्क में हम अकेले शांति से, और गिटार का धीरे धीरे मधुर मधुर गाना बजा करके हम आँख बंद करते करते जिंदा होने के लिए भगवान को खुश नसीबी दें कि थैंक्स गॉड आई एम अलाइव। अभी पता है यहाँ पे मॉब से स्पॉन होने के चांसेस हैं, समझ रहे हो, कभी कभी मेरा ये मन करता था कि मतलब गिटार बजाने आता है हमको, लेकिन हमको उस लेवल का नहीं आता है जिस लेवल का यार गिटार तुम समझ लो कि हमको अच्छा लगे, ठीक, तो हमको उस लेवल का गिटार बजाना है, तो अभी मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बजा नहीं पाएंगे, हम बजाएंगे गिटार, एक समय ऐसा आएगा कि मतलब अपने लिए बजाना चाहते हैं, ठीक है, और जहाँ हम मतलब बॉलीवुड के भी कुछ कुछ सॉन्ग्स बजाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के सॉन्ग्स इसलिए हम नहीं बजाते क्योंकि मेरे को उसने हमने उसके लिए गिटार लिया, ठीक है, हम इसलिए बजाते हैं ना, अरे यार हमने पानी का ब्लॉक ही ख़त्म कर दिया क्या हम इसलिए बजाते हैं ना क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, गिटार ऐसी चीज़ है ना कि अगर जो आप नहीं बजाओगे ना, अरे यार गड़बड़ा जा रहा है यार, देखो पता है हम थोड़ा ऑब्सीडियन लेना चाह रहे हैं, ऑब्सीडियन इसलिए लेना चाह रहे हैं कि मान लो अगर जब नेदर में गए, ठीक है, और तुरंत ही मेरे को वो हो गया, क्या कहते हैं, तुरंत ही मेरे अगर जो हम गिर गए या फिर घास ने अगर जो कुछ फायर कर दिया ऐसे मेरा वही हट गया, तो मतलब कम से कम मेरे पास ऑब्सीडियन रहेगा ताकि हम एक और नेदर पोर्टल बना सके। हालांकि फ्लिंट एंड स्टील हो तो काम चल जाता है, क्यों, चलो आप देखते हैं, पता है मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही कि हम नेदर में कहाँ स्पॉन कर रहे थे, एक बार उसको हम देख करके आ रहे हैं, ठीक, ओके ओके बेटा, हम तो एक मिनट को यार हम लोग पता है एक चीज़ ये भी देख करके देखते हैं ना कि जो ये सब है ना मेरे को इसमें अगर जो फेदर फॉलिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मिलेगा साला, है प्रोडक्शन वाले गरीबों वाली है वो, वैसे कहाँ गया वो, हाँ कहाँ गया, मेरे ख्याल से इसमें है, क्यों, आ जा बेटा,
हम नेदर में आगे ट्रेवल नहीं करेंगे, ठीक है। नेदर बहुत डेंजरस जगह, अगर जो अभी मेरा तुरंत मौत आ सकती है जगह पे, तो नेदर में उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोना गो इन टू द नेदर राइट। बट हम एटलीस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि नेदर में हम कहाँ स्पॉन कर रहे हैं। अगर जो तुरंत में पता है, अगर जो तुरंत में फोर्ट्रेस में अगर जो स्पॉन कर जाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड रियली लव दैट, राइट। सो या लेट्स सी वेयर आई स्पॉन, राइट। चलो ठीक है यार, खाना हम लोग पास इतना है ही, और ये ले लेते हैं। चलो यार, डर लग रहा थोड़ा सा। चलो अगर जो ये पता है, एक और जो टूट जाएगा ना, तो हम लोग फिर से वो बना लेंगे, ठीक है। हम लोग प्लस ब्लॉक्स है, डर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन चलो, डर के आगे जीत है, लेकिन उसके पहले रीस्टार्ट है। सो यार लेट्स गो, पता नहीं क्या होगा यार। हम कई बार ये बेकार बायोम में आ गया, ये बेकार बायोम में पता है, यहाँ पे वो हॉगलिन तोगलिन रहता है साला, दिमाग का दही कर देता है। एक मिनट को, अगर जो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे क्विक हो जाएंगे, ठीक है। ये सब पता है, ये सब ट्रिक स्पीड रन टेक्निक्स है। एंटिटी 82 मतलब यहाँ पे या तो कुछ बेशन वेशन, ये 3 है, ठीक है। इस साइड यहाँ पे ये बहुत अच्छा स्पॉन नहीं है, इसे बता दो ऑनेस्टली, बताया ना, ये बहुत अच्छा स्पॉन नहीं है। अगर जो आप ई में देखोगे टॉप राइट, इस डायरेक्शन मतलब टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स में ना, वो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इस साइड, है कुछ चीज़ें इस साइड, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। होगलिन चौगलिन को ना भी उड़ा देंगे, चलो मैं नहीं डरता हूँ किसी से। टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स ही माइसिलियम है, क्या है यार ये क्रिम्सन फंगस है यार। कैसा जगह स्पॉन हुए हैं यार, बहुत बेकार जगह है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये जगह ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब है। टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स, पिगलिन है भैया। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग कि यार हम डायमंड पिक एक्स अपना नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। इंचन वो इधर पीछे से कोई आके ठोकना दे यार, गिरेंगे डायरेक्ट हम। प्रोटेक्शन 1 वो थोड़ा सा आगे चल के देखते यार। वाह, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब नहीं जाएंगे हम फालतू के, नहीं जब तक मेरे को प्रोटेक्शन नहीं आया तब नहीं जाने वाले। बस कल हम देखना चाह रहे थे कि कहाँ पे मतलब वो है, हम देखना चाह रहे थे कि मतलब कि कहाँ पे हम स्पॉन हो रहे हैं। हाँ, हम नहीं जाने वाले अभी, कौन जाएगा यार, पागल है क्या, ठीक है। वैसे यहाँ पे काऊ होती कहाँ चली गई ससुरी काऊ, काऊ गायब है। अच्छा, पेड़ उग रहा है यहाँ पे, क्यों पेड़ यहाँ पे उग रहा है, गुड। लेकिन इसके पेड़ के ऊपर शायद मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं, क्योंकि वो मतलब माइसिलियम ब्लॉक्स नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे मॉब्स जल्दी स्पॉन नहीं करते। इनफैक्ट वही एक मेन रीजन था यहाँ पे आने का, ठीक है। वाह, आई थिंक ये बहुत अच्छा पेड़ हो गया, ठीक। ओके सुनो, तो अभी का टारगेट बता रहे थे वो, क्या अभी का टारगेट क्या है ना, कि हम लोग को थोड़ा एन्चेंटमेंट चाहिए, ठीक है। एन्चेंटमेंट हम लोग पास है नहीं, ठीक। एन्चेंटमेंट देख रहे हो, कुछ खास एन्चेंटमेंट है नहीं। तो असल में बताया, यहाँ पे हम लोगों ने वो उगाने के लिए डाली तो थी, ये देखो इसको, उनको हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं, क्यों। तो हम क्या बोल लेते हैं यार, हाँ हम ये बोल लेते हैं ना कि शायरिया तो है हमारे पास। जैसे एक बार हमने एक शायरी पढ़ी थी कि मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है, ठीक है। तो मतलब आई एम नॉट गोना बी सीरियस, राइट। बहुत अभी तो मेरा अभी दिल थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा सुकून है, लेकिन उतना नहीं है, अंदर में तकलीफ तो रहती है, सबको तकलीफ रहती है यार। तो फॉर नाउ आई थिंक आई एम फाइन, राइट। बट आई थिंक आई विल हैव टू लाइक चेंज माई मूड एज पर द सिचुएशन। जब सिचुएशन आएगा तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, आई रियली लव इट यार, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो आज का टारगेट क्या था, आज हम लोग नेदर में गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, नेदर में जाना बहुत ज़रूरी था। और अभी हम लोगों को क्या करना है ना भाई, अभी हम लोगों को वो बनाना है, क्या कहते हैं, नेदर में जाना ज़रूरी था क्योंकि एक टारगेट कम से कम पूरा करना था। अभी मैं ना वो बनाना चाहता हूँ यार, कहाँ बनाया जाए बेस यार। पानी चाहिए करीब 9 ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। 9x9 ब्लॉक्स चाहिए होगा, ठीक। और यहीं पर हम लोग जाएंगे वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, एक मिनट हो यार, कहीं इधर गिर ना जाए, ठीक। ओके, तो ऐसे करते हम लोग यहाँ पे, देख लो हम लोग आग जला भी दे रही है, लेकिन आग के कारण ही हम लोग का काम हो पा रहा है। आपको पता है, पुराने ज़माने में मतलब आदि मानव के ज़माने में ना आग की खोज बहुत बड़ी बात मानी थी, ठीक है।
क्यों पता है, आग आग जो होती है ना, आग से इंसान जलता भी है, आग से खाना भी पकता है, ठीक है। तो आग आग रिली में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये क्या जल रहा है वैसे, हमने इसे कुछ जाला था क्या? मेरे को याद नहीं, हमने कुछ जाला था नहीं, हमने याद नहीं, मन ना याद नहीं बच्चे, ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक्स ले रहे थे ना, चलो थोड़ा सा ब्लॉक्स लेकर के आते हैं और ऊपर में एक फार्म जैसा बनाते हैं ताकि अपना खाना वाना उगते रहे। उसके बाद से हम लोग अगले एपिसोड में ना वो बनाएंगे, मॉब फार्म बनाएंगे यार। थोड़ा मॉब फार्म बनाना जरूरी हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर जो मॉब फार्म नहीं बनाएंगे ना तो काम नहीं बनेगा। मेरे को इंचैंटमेंट चाहिए होता, अगर जो मेरे को फुल प्रोटेक्शन गियर मिल जाएगा ना तभी हम नेदर में जाएंगे। बिना नेदर में जाए मतलब कि ओके, बिना नेदर में जाए काम बनेगा नहीं। तो आई विल लुक इन टू इट, आई विल रियली लुक इन टू इट। लेकिन यार आयरन नहीं बर्बाद करना चाह रहे हम, आयरन की किल्लत है, आयरन हमेशा कम रहेगा। जब तक कि हम फार्म वार्म नहीं बना लेते ना तब तक हम आयरन के बहुत कमी रहेंगे। तो पता है मेरा अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है ना मॉब फार्म बनाने का, ठीक है। जब मॉब फार्म आएगा ना तो मेरे को एक्सपी आएगी, लेकिन उसके भी पहला टारगेट है ना मेरे को खाना बनाना है। खाना यहाँ पर अगर जो रहेगा तो मेरे को लेदर आएगा, लेदर आएगा तो बुक्स आएंगे, और बुक्स आएगा तो एन्चेंटमेंट आएंगे, क्योंकि मेरे पास लैपिस लजुली खुजली तो यही है, लैपिस खुजली लैपिस लजुली तो यही मेरे पास, तो वो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो हमने कुछ स्टेयर्स भी बनाए थे यहाँ पे, जो स्टेयर्स हमने कुछ अपना रखे थे वहाँ पे, तो स्टेयर्स यूज करके हम इसको आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। आज का टारगेट बताया कम से कम एक वीट फार्म तो बना ही बना के ही निकलना है, वीट फार्म बना दिया जाता है और उसके बाद से वो करते क्या करते हैं, चलते हैं उसके बाद से। वीट फार्म बनाना जरूरी था वैसे, 64 है, नहीं यार बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, एकदम काम नहीं चलेगा बहुत ज़्यादा, मतलब ये ब्लॉक्स व्लॉक्स चाहिए होता है, उसमें इतना काम नहीं बनता है, ठीक। वैसे ये बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को देखने में, हरियाली नहीं है, हरियाली डेंजर भी चीज़ है, डेंजरस चीज़ भी है। कल वहाँ पे पता है उस उधर एक आइलैंड था, आइलैंड पे थोड़ा मोड़ा हरियाली थी, तो अभी पास बहुत बुक बन जाएगा, 6 बुक बन जाएगा, एक बुक केस बनाएंगे, ठीक। हालांकि वो उस लेवल का एन्चेंटमेंट पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन आई विल लुक इनटू इट, हम देखेंगे। अभी तो मेरे को ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 मिल गया, ठीक, तो आई थिंक इट्स फाइन। मेरे को यार प्रॉपर आर्मर में हम जाएंगे, प्रॉपर मतलब कि मेरे को चेस्ट प्लेट चाहिए, इसमें फेदर फॉलिंग चाहिए, ये सब चाहिए ना, नहीं तो हम नहीं जाने वाले हैं। एक तो हार्ड मोड वैसे भी है, साला मर गए तो सारा मेरा जितना भी डिलीट हो जाएगा, जितना भी प्रोग्रेस हमने किया है सारा प्रोग्रेस मेरा डिलीट हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोना लीव इट विदाउट एनी प्रॉपर एन्चेंटमेंट। और यार अरे यार इतना जल्दी क्या ख़त्म हो जा रहा है, इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो जा रहे हो बच्चे। उधर हम लोग का पेड़ उग गया यार, पेड़ हम लोग हमने इस बकलोले की तरफ हमने पेड़ अपना उगाया है ना कि उसमें कुछ वही नहीं हो पा रहा, क्या कहते हैं उसमें उसको हम काट ही नहीं पा रहे, काटेंगे तो नीचे उसका कई सारा मटेरियल गिरने लगेगा, बकलोलो जैसा लगाया हमने लेकिन हाँ इसको थोड़ा ले लिया था। अच्छा अरे हाँ पता है, ये हम लोग इससे पता है हम लोग को ब्लॉक्स भी मिलेगा, ये जो हम ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं ना इससे हमको ब्लॉक्स भी मिलेगा, और यहीं पर हम लोग बीच में एक यहाँ पे सुनो टीली कर रहे एक, अरे पता है इसको क्या करेंगे, ऐसे करते हैं 2 3 ठीक है, 4 ब्लॉक इधर ले लो, ठीक है, नहीं 1 2 3 ठीक है, और ये तुम्हारा ऐसे करके इसको ऐसे ले लो, 4 ब्लॉक इधर ले लो, ठीक, 4 ब्लॉक इधर ले लो, 4 ब्लॉक इधर ले लो, ठीक, ओके 1 2 3 4 ब्लॉक ऐसे ले लो। ये पता है फार्मिंग का एक टेक्निक है, ठीक है, फार्मिंग का एक 1 2 3 4 ठीक, तो ये तुम्हारा पता है ये फार्मिंग का एक टेक्निक है, इससे क्या होगा ना, एक मिनट को 1 2 3 4 ठीक है, अरे 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 ये तो यार कन्वर्ट होते जा रहा है, मतलब इसको पता अरे यार पता है यहाँ पे वो होने लग रहा है क्या, यहाँ पे हम टिलिंग कर रहे थे तो ये बार बार सूख के डर्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। पता है ये वाला ब्लॉक ना ये वाले ब्लॉक में कन्वर्ट होने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है ना कि हम लोग को अगर जो कुछ उगाना है ना तो हम लोग को ऊपर ही जाना पड़ेगा और ये मस्त सनराइज का मजा लेना पड़ेगा। छोड़ना उधर हम वैसे भी बार बार जाएंगे, वाह कितना मस्त सनसेट है, सॉरी सनराइज नहीं था वो सनसेट है, वाह। पता है अगर जो ढूंढोगे ना तो खूबसूरती दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाएगी, कई सारी चीज़ें खूबसूरत हैं। वाह मेरे को कितना अच्छा लग रहा है यार, सुंदर लग रहा है, एक सुहानी शाम है और अब रात होने वाली है, ठीक है अब रात हो गया है तो फिर चलते हैं हम लोग। अगर वैसे रात को कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, तो रात में मतलब जगने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, रात में कुछ दिखे तो फिर कुछ किया भी जाए। वैसे भी अगर जो काफ़ी टाइम से नहीं सोगे ना, 3 दिन से ज़्यादा अगर जो नहीं सोगे ना तो वो स्पॉन होने लग जाएंगे, क्या कहते हैं फैंटम स्पॉन होने लग जाएंगे, तो दैट विल बी काइंड ऑफ यू नो नॉट अनवांटेड थिंग अनवांटेड
तो सुनो, हम लोग किधर बना रहे थे, अपना बेस हाउस बना रहे थे, कहाँ गया मेरा वो, चला गया। ठीक सुनो, आज के एपिसोड में ना मेरे को वो बना के जाना, क्या कहते हैं, कहाँ गया पहले स्टेयर्स लेके आओ यार। स्टेयर्स हमने सब फेंक दिया था, क्यों? ये क्या स्टेयर्स है, हर चीज़ को, जो चीज़ मेरे सोचने का मन नहीं करता ना, उसको हम ये बोल देते कि हमने फेंक दिया था। गजब आदमी हम भी, तो निधर रह गया। ठीक, किधर बनाया जा रहा है, देखो सूरज इधर इधर वेस्ट इधर सड, मतलब ये होता क्या कहते हैं, गिरता है, ठीक, और सनराइज इधर से होती है, तो मैं बनाऊंगा इधर बनाऊंगा, ठीक, ताकि इधर मस्त सुंदर ब्यूटीफुल लगे, लेकिन इधर वो है ना, तो चलो इधर बनाते हैं। ठीक, इधर ही हम लोग मतलब कि ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे। ठीक, तो और मेरे को थोड़ा सा ब्लॉक्स व्लॉक्स भी चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ पर ला करके इसको ऐसे ब्लॉक्स व्लॉक्स कर दूंगा। ठीक, ऑलराइट, ये पता नहीं यार माइनक्राफ्ट वालों ने अभी तक इसको इसको चेंज क्यों नहीं किया, ऐसे करके ऐसे कर देने के बाद से उन्होंने अभी तक इसको चेंज क्यों नहीं किया। ठीक, और हाँ गाइस, थैंक यू फॉर लाइक वीडियो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। ठीक, बहुत ज़रूरत था यार। हाँ, पता है आपको, मतलब कि ये पीसी, पता है आपको भी पता होगा, ये पीसी सस्ते में नहीं आएगा, अगर जब इसके स्पेक, अगर जब हम माइनक्राफ्ट में सेडर्स रन करके रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो ये जो मतलब कंप्यूटर है ना, ये फ्री का नहीं, मतलब फ्री छोड़ो, सस्ते में नहीं आए थे यार। तो हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी यार, हमको माइनक्राफ्ट की वीडियोज बनाना थे, क्योंकि हमको हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी शेयर करने के लिए। ठीक है, अभी हमको आपको बताया, मेरे पास हमने जितना सोच के रखा था ना, हम आपको सही बता रहे हैं, हमने जितना सोच के रखा था ना, उसका हम 1% भी नहीं हमने अभी तक वीडियो बनाया है। ठीक है, जो हमने YouTube बनाने के बारे में सोच के रखा था, हम एक साल से, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा दिल बहुत करता था YouTube पे आने के लिए, तो मतलब मस्त वीडियो बनाने के लिए, तो मैं क्या करता था ना कि पैसे के आस में इधर उधर मतलब समय बिताते रहता था। ठीक है, और मैं आइडियाज बनाते रहता था, मेरे पास कई सारे आइडियाज हैं जो मैं बनाते रह रहा था, तो मैं वो सारे जो आइडियाज़ है ना, वो सब आइडियाज़ को हम लिख करके रखे हैं, हमने उसको मतलब एक तरीके से PDF फाइल में बना के रखा है। मेरे पास इतने आइडियाज़ है भाई, इतने आइडियाज़ है ना, इतने आइडियाज़ है कि क्या बताऊँ, कितने आइडियाज़ हैं, मतलब बहुत आइडिया है, और इतना इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट है ना, इतना इंटरेस्टिंग, लेकिन वही बात है कि हम आइडिया सोचना एक बात होती है, और प्लान को एग्जीक्यूट करना दूसरी बात होती है। ठीक, तो वो थोड़ा सा मेरे को प्लान एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन उसमें से कई सारे प्लान हम ऐसे एग्जीक्यूट भी कर लिए, जैसे कि एक ये था कि तुम्हारा, हाँ क्या कह रहे थे हम, अरे यार इसमें से मेरे को थोड़ा ध्यान उधर चला गया, तो मेरे को करीब एक साल लग गया और 1.5 लाख रुपया लग गया, ये कंप्यूटर पता है करीब 1.5 लाख का है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेक्स नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर बनाने में मेरे को 1.5 लाख लग गया। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप था, लेकिन यार वो लैपटॉप में कहाँ, तुम मेरा बेडरॉक सही से नहीं चलता था, रिकॉर्ड करते थे तो आवाज़ कट जाता था, मतलब बहुत बेकार था यार, मज़ा नहीं आता था वहाँ पे, तो हमको मतलब बकायदा हमको करना पड़ा मेहनत, आई रियली हैड टू वर्क हार्ड सो दैट आई कुड मेक समथिंग, सम ब्यूटिफुल थिंग्स। ठीक है, और तो कोई बात नहीं, हमने बनाया, बाद में कंप्यूटर बनाया, और पता है हमने अपने बर्थडे के दिन ना यूट्यूब चैनल बनाया था। ठीक है, हमने बर्थडे के दिन, अपना मेरा बर्थडे जब था, उस दिन हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, क्योंकि बर्थडे के दिन मेरा थोड़ा सा दिल दुखी था। क्या करें यार, बर्थडे के दिन हम हमेशा मतलब दुखी रहते हैं, नहीं लाइफ ही ऐसी है यार, तो क्या किया जाए। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट गिरेंगे तो नहीं ना, मेरे ख्याल से नहीं गिरेंगे, देखो ना मेरे को डर लग रहा है कि कहीं लावा हम लोग यहाँ से डायरेक्ट गिर ना जाए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि बर्थडे के दिन ना मेरा थोड़ा सा दिल टूटा हुआ था, तो हम ना मतलब कि टूटा हुआ ही रहता है जनरली, हम बर्थडे के दिन अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया था ना कि वो बनाया था, क्या कहते हैं, चैनल बनाया, तो जब चैनल बना के सोचे थे पहले वीडियो बना ले, तो हमने उस दिन वीडियो बना करके अपलोड जैसे करने की कोशिश किए, तो YouTube बोल रहा है कि ना भैया, तुम जब तक वेरीफाइड नहीं होगे तब तक आप 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते हो, और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, ऐसा कहाँ है बट्टा, ऐसा कहा करा था वो हमारे साथ, तो कोई बात नहीं, हमने अगले दिन चैनल को वेरीफाई किया और हमने वीडियो अपलोड किया, तो पहले इतना व्यू नहीं आता था, मतलब पहले यार 2 लोग 3 लोग देखते थे, पता नहीं शायद हम मेरा ही वीडियो तो रिप्ले नहीं था। लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर है गया यार, मतलब अब कभी कभी वीडियो अच्छा जाए तो 200 लोग देख लेते हैं, 200 व्यू आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा बात है यार, 200 क्या, 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ लोग देखें वीडियो, आई रियली वॉन्ट इट। ठीक है, हालांकि उस लेवल के वीडियो भी बनाना पड़ेगा, ऐसे बकवास करने से नहीं हो जाएगा कि प्लीज़ मेरा वीडियो देखो। ठीक है, वैसा मतलब कि वैसा नहीं होगा, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, आई नो दैट, राइट। एक मिनट रुको यार,
पता है क्या है, यहाँ पे मेरे को एक वाटर सोर्स ब्लॉग बनाना। अच्छा, मेरे को एक आइडिया है, ठीक है, तुमको बनाते हैं। जो हमने पिछले एपिसोड में करी थी ना, वही हम लोग इस एपिसोड में भी करेंगे, ठीक। ओके, एक मिनट को। तो पता है अभी का टारगेट क्या है ना, आज का टारगेट क्या है ना, कि मैं ना कुछ बना के जाऊँगा। मैं यहाँ पे एक मिनट को, अगर जब इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक, नहीं, 1, 2, 3, 4, ठीक, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे, अरे गिरते अभी हम बकलोलो की तरह। एक मिनट को, इसको हमको यहाँ से हटाना होगा और मेरे को पानी लाना होगा यार। पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा पानी। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, डर लगता है कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए। सुनो, हम यहाँ पे सारा पानी बिछा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर जो गिरेंगे भी तो इधर ही गिरेंगे ना। डैमेज होगा भी तो इधर ही डैमेज होगा, और वैसे भी हम कई बार गिर चुके हैं ऊपर से, ठीक है। तो इसलिए पता है हम यहाँ से, पता है इसलिए हम इधर पानी की तरफ आ रहे हैं, और पानी की तरफ मस्त अपने रिजॉर्ट बनेगा ना, बहुत सुंदर लगेगा, रियली बता रहे हैं, दैट वुड बी सो मच फन, ठीक है। तो पानी लेके आते हैं, और हम लोगों ने पता है गेहूं लेकर के आते हैं, वीट के सीड्स लेकर के आते हैं। इसमें पता है सीड लिखा हुआ है, इसमें वीट सीड नहीं लिखा हुआ है, तो सीड मतलब, अच्छा वीट सीड, सॉरी वीट सीड लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो लेकर के आते हैं, आज कुछ बोना है यार। आज ये वो किताब कितना सुंदर लग रहा है, ये क्या लिखा हुआ है वैसे? तो कहाँ गया मेरा, यहाँ हम गिरेंगे तो गए काम से। ओके, ये रहा हम लोगों का, उसके बाद से हम लोगों ने कहाँ गया था वो? अरे यार ये सब ख़त्म क्यों जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, मतलब कि एक ब्लॉक हम लोग इधर लाना है, पता है 4x4 ब्लॉक्स जाने पड़े थे, ठीक, 4 ब्लॉक चलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4, ठीक, ऑल राइट। 1, 2, ओके, ऑल राइट। इसको हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसे करके, इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे, ठीक, ओके, 1, 2, 3, और ये पता है आज हम फार्म बना के निकलेंगे, आज बिना फार्म बनाए निकलेंगे नहीं यार, पता है इधर फार्म ऑन अपना बंदे रहेगा। हमको यार इंचैंटमेंट चाहिए, इंचैंटमेंट लेने के बाद हम लोग बहुत सारे एक्सप्लोर करेंगे और आगे चल के कई सारे मशीनें बनाएंगे, और जब ऑनलाइन बनेंगे ना, तो ऑनलाइन जब आएंगे ना, मतलब स्ट्रीम करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। 1, 2, 3 और 1, 4 हो गया, ठीक। तो आ जाओ, चलो आ जाओ, सभी से टिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आलू बो दिया जाता है और गेहूं बो दिया जाता है, ठीक है, आलू और गेहूं बो देते हैं। बाकी अच्छा, इसको हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्यों? वैसे भी तुम्हारा 1, 2, 3 और 1, 4, पता है यहाँ पे 4x4 का बन देगा। ये एक जो है ना पानी का सोर्स, ये 4 ब्लॉक्स को ना, मतलब इस डायरेक्शन में हाइड्रेट कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक, वाह। तो मस्त अपना यहाँ पर हम लोग आलू बो देते हैं और गेहूं बो देते हैं, तो अपना ये उधर उगेगा, अपना पेड़ उधर उग ही रहा है। तो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर दिस एपिसोड, राइट। और नेदर में तो हम लोग अपना जाएंगे ही। ये पता है ये वाला ब्लॉक नहीं हाइड्रेट होगा, आप देख लेना, ऐसा जो ब्राउन हो गया ना, ये वाला ब्लॉक नहीं होगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ले आऊँगा, ओके, 1, 2, 3। और पता है जब आप अल्टरनेटिंग फैशन में डालोगे ना, जैसे मतलब यहाँ पे गेहूं डाल रहे हो, और तुरंत आप अगर जो गेहूं में डाला, ठीक है, अगर जो आपके पास आलू हो तो ये डाल दिया करो, ऐसा क्या होगा ना कि ये सब चीज़ें जल्दी उगती हैं, ठीक। ये गेहूं आएगा, ठीक, ऑल राइट, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो ये पता है गेहूं इसलिए कर रहे हैं ना कि मेरे को थोड़ा सा वो लेदर चाहिए, ठीक, लेदर चाहिए, लेदर के बिना बुक नहीं बनेगा, और बुक नहीं बनेगा तो एन्चेंटमेंट बढ़िया वाला नहीं मिलेगा, ठीक। तो मेरे को थोड़ा सा लेदर चाहिए था बेटा, एक मिनट को, यहाँ पे हम लोग इसको उगा दे रहे हैं, अगर जो उगना होगा फिर देखें, 2, 1, अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से, अरे यार सुनो, अभी हम कभी भी गिर के मर सकते हैं, ठीक है, तो मेरे को ना यहाँ से ना वो करना होगा। ओके, चलो यहाँ पे पता है वाटर लॉक कर दे रहे हैं, ठीक, बाद में इसको हटा देंगे जब मेरे पास प्रॉपर एन्चेंटमेंट आ जाएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब हम मरने वाले नहीं है बेटा, भले ही हम थोड़ा सा दिल के थोड़े से वो हैं, क्या कहते हैं, मुलायम हैं, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है। देखो हम बोलते बोलते कई सारी चीज़ें निपटा लेते हैं, कई कई बार आपको अगर जो क्वालिटी का कुछ बोल रहे होते ना, तो मतलब वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, क्योंकि आप कितना ध्यान दोगे, आप इधर अपना हार्डकोर खेल रहे हो और आपको इधर मतलब ध्यान नहीं दोगे तो अचानक से मर भी जाओगे, और आपको बोलते भी रहना है। तो या आई कैन डू दैट, राइट, आई कैन डू दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट द थिंग इज कि कई कई बार थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, ठीक।
तो ये मत सपना शाम हो गया है और हम लोग यहाँ पे वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, हाँ ट्री बना लेंगे। ठीक, वाह अच्छा लग रहा है, क्यों मैं पता नहीं यहीं पर ट्री को क्यों बोया, मेरे को पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, गधों जैसा हम यहीं पर क्यों बोए, मेरे को थोड़ा सा उधर बोना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्यों नहीं होगा अभी तक, ये भी उगेगा थोड़ी देर में मेरे ख्याल से। ठीक है, सबका अपना रैंडम रैंडम मेरे ख्याल से वो होता है ग्रोइंग टाइम। वाह देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, वाह मस्त ब्यूटीफुल, अभी गिरते यार हैं, गिरेंगे मरेंगे थोड़ी ना। ठीक है, देखो कितना मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, आई रियली लव दैट। पता नहीं यार फॉल डैमेज ये आर्मर हटाता है कि नहीं हटाता, मेरे ख्याल से नहीं हटाता है ना, मेरे को थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा उसको। वाह तो चलिए सूर्यास्त होने वाली है, एक मस्त शाम और एक चांदनी रात, एक तो हर रात यहाँ चांदनी होती है, वाह आई लव इट। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने नेदर बनाया, ठीक है, नेदर पोर्टल बनाया, ठीक, और आज के एपिसोड में हम लोगों ने कुछ खेती उती कर दी थी। ठीक, अगले एपिसोड में हम लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं, अगले एपिसोड तक वेट कीजिए, अगले एपिसोड में हम लोग कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग, कुछ बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब जाता है ये सोने के लिए, आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, और तो सो थैंक यू गाइज, अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय।